नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स, जैसे कि आज मेरे राडार पर चार स्टॉक है फिलहाल इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो भी स्टॉक होगा वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा या फिर ट्विटर पर मिल जाएगा। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देखते हैं और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों एक चीज मैं वीडियो स्टार्ट करते टाइम जरूर कहूंगा, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग डेली वीडियो देखते हैं, तो जो 11 अगस्त के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया था यानी कि ट्यूसडे के लिए, वहां पर मैंने क्लियरली बोल दिया था आप लोगों को SBI में बिल्कुल रेडी हो जाओ। उसके पहले भी मैंने एक और जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी आपको बोला था और कई बार बोला है, और आज फिर बोलता हूं, SBI, कैनरा बैंक, ITC जब भी गिरे इनको ऐड करते चलो, अचानक से आपको सरप्राइज करेंगे। तो आज ऑलमोस्ट SBI ने कर दिया है, लेकिन 203 के ऊपर की क्लोजिंग है। अब देखते ही है कि इसके ऊपर चलता है कि नहीं। तो पहला स्टॉक जो है वही हम SBI का उठाते हैं। सो लेट मी ओपन नोट पैड ऑल्सो सो दैट पीपल हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी दे कैन रीड द लेवल्स एटलीस्ट। तो देखिए SBI की अगर अभी हम बात करेंगे, कई बार से ये लगातार ऑलमोस्ट 199 से लेकर के 203 के लेवल के आसपास या 201 के पास आता था, वहां से रिवर्स कर जाता था, राइट। और अभी इस स्टॉक में क्या है, एक ब्रेकआउट दिखा है, लेकिन इसको सस्टेन करना जरूरी है 203 के ऊपर। अब अगर कल ये स्टॉक कंटिन्यू करने वाला है, ऑलरेडी आज इसने रिसेंट में अगर आप देखोगे तो मार्च में जब ये गिरा था, राइट, मार्च में गिरने के बाद में लगातार फिर अप्रैल अप्रैल के बाद में आप देखोगे 30 अप्रैल के बाद और नीचे आ गया। तो ये अप्रैल में 27 मार्च था, उसके बाद में अप्रैल में थोड़ा थोड़ा ये ऊपर रहा, बट स्टिल अगर आप देखोगे ये ऑल टाइम मार्च के बाद से अगर आप पूरा पूरा इसको काउंट करो तो अपने रेजिस्टेंस के पास अब आया है और उसके ऊपर अब ये जा करके आपको क्लोजिंग दिया है। तो ऐसे में दोस्त मैं कई बार ऑलरेडी मैंने आप लोगों को SBI की एनालिसिस सजेस्ट की थी, कई बार की है मैंने, और आज फिर बोलता हूं 203.5 के ऊपर की क्लोजिंग है। इसके ऊपर अब ये स्टॉक अगर कंटिन्यू करता है तो ये आपको मिनिमम 30 पॉइंट्स यहां से दे करके जा सकता है, यानी 220-230 के मिनिमम टारगेट्स हैं, उसके बाद में 240-245 तक के टारगेट्स भी इजिली आ सकते हैं। तो पोजिशनल है ये स्टॉक, और स्टॉप लॉस भी यहां पर मैं दे देता हूं, स्टॉप लॉस 197 का है। यू कैन कैन बाई एट CMP बट वेट फॉर सस्टेनिंग सस्टेनिंग अबाउ 203। और इससे भी आपको क्या कहते हैं, मैं एक क्लियर लेवल बता देता हूं, जाहिर सी बात है 203 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो भी आप एंट्री ले लो, या तो फिर 205 के ऊपर जब ये आपको दिखने लगे आप इसको ऐड कर सकते हैं। टारगेट क्या होंगे, टारगेट पहला 220 का है, दूसरा सीधा सीधा 230 और तीसरा 245 का टारगेट SBI में रहेगा। तो दोस्तों इस स्टॉक पे अब नजर रखिए, अगर 203 के ऊपर एक और क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पोजिशनली बहुत अच्छा स्टॉक ये आपके लिए साबित होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी देखे टेलीग्राम में ऑलरेडी एडेड है या ट्विटर में फॉलो कर रहे हैं, ऑलरेडी दे आर एडेड है, तो उनको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए, होगी। और अगर आप लोगों ने भी दोस्तों टेलीग्राम मेंबर्स और ट्विटर मेंबर्स, अगर आप लोगों ने SBI में ट्रेड नहीं लिया अभी तक, पोजिशनली नहीं होल्ड किया है, तो अभी भी आप इस पर एंट्री ले सकते हो 203 के ऊपर। स्टॉप लॉस 197 का रखो, 220, 230, 240 तक आपको ये बना के बहुत इजिली दे करके जाएगा SBI। अब इसके बाद में बात करूंगा ITC की। सो ITC इफ यू सी, ऑलरेडी मैंने बोला था जब यहां पर 193 194 के पास में था, ट्विटर पे भी इसका चार्ट आई थिंक शेयर किया था, टेलीग्राम पर भी दिया है, और दोस्तों आप लोग ऑलरेडी जानते हुए चीज, कई बार मैंने यूट्यूब वीडियोज में भी बोला है अपने। तो इसमें फिर से वही देखिए सीन बना, 193 पे बाइंग लगवाई आपकी, उसके बाद में 205 207 के लेवल आपको ITC ने दे दिए, अभी भी इसमें बुलिशनेस है और कल ये कंटिन्यू करता है, एक क्लोजिंग चाहिए दोस्तों 207 के ऊपर की। 207 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है ITC,
देन इट इज गुड फॉर 220 एंड आफ्टर दैट 240 टारगेट। फिर से बोल रहा हूँ 220 240 ये आईटीसी आपको दे जाएगा अगर ये 207 के ऊपर सस्टेन करता है। तो इस पे भी नजर बना के रखिए, सस्टेनिंग अबाउ 207 विल रिजल्ट इन 220 240 आईटीसी। अब चलिए नेक्स्ट स्टॉक उठाते हैं, दैट इज आईजीएल। तो दोस्तों आईजीएल में काफी दिनों के बाद ये एक पैटर्न आया है, कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसी का इंतजार था मुझे। और कहीं ना कहीं इस बार अगर ये बाइंग इस पे चलती है तो ये आपको 415 से लेकर के 420 तक के लेवल आईजीएल आपको दे सकता है। तो चलिए इसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और आप लोगों ने अगर मेरा इंगल्फिंग पैटर्न वाला वीडियो दोस्तों नहीं देखा है तो देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है वो पैटर्न देन डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब इसकी जो लो, इसने रिसेंट में एक लो दिया था ऑलमोस्ट 380 का, उसके बाद में आज का लो था 384 का, फाइनली क्लोजिंग कहां पर है 398 की। अब दोस्तों ये यहां से कंटिन्यू करता है 400 के ऊपर, अगर ये कंटिन्यू करता है इस स्टॉक में एंट्री बना लो, 410 और 420 के पोजिशनल टारगेट रहेंगे आईजीएल में। आईजीएल बाई अबव 400 टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 410 और 420 का इनिशियल टारगेट है। 420 के ऊपर जैसे ही दोस्तों ये कंटिन्यू करने लगता है, ये आपको 440 तक के यहां भी लेवल दे करके चला जाएगा, पोजिशनल है ये। और दोस्तों एक चीज और, आप लोगों ने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसमें आपका जाएगा कुछ नहीं, आपका बस एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आपके एक और चैनल जुड़ जाएगा, लेकिन जो भी अपडेट होगा, जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, जब भी करूंगा, आपको कम से कम अपडेट मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे यहां से मजबूत लग रहा है। स्टॉप लॉस इस पे रखिए 3963 का, या फिर आप 3960 यानी कि 3960 का स्टॉप लॉस रख करके इस पे आप एंट्री बना सकते हो। पोजिशनल टारगेट्स जो इसमें बनेंगे वो क्लियरली दोस्तों 4100 और 4200 तक के टारगेट इनिशियल रहेंगे। उसके बाद में अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर सीधा सीधा आपको 4350 तक के टारगेट दे सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो इस पे नजर रखिए, और इसके भी मैं लेवल लिख देता हूं यहां पर। इसके लेवल लिख देता हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को देखिए व्हाट्सएप लिस्ट में ऐड होना है, जहां पर मैं फ्री में सारे सपोर्ट, जितना भी सपोर्ट है, जितना भी रिकमेंडेशंस है, चार्ट एनालिसिस है, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी फ्री में। और आपको यहां पर पे भी नहीं करना है, दिस इज कंप्लीटली फ्री। आपको बस डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आइदर एंजल ब्रोकिंग में आप ओपन कर सकते हो या फिर अपस्टॉक में मेरे रेफरल लिंक के थ्रू। रेफरल लिंक आपको एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक दोनों के रेफरल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वहां भी नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम में मुझको पिंग कर सकते हो और मैं वहां से आपको रेफरल लिंक दे दूंगा। लेकिन मेक श्योर कि अगर आप इन अकाउंट में ट्रेडिंग करो तो ही ओपन करना, अदरवाइज दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं है। तो आप रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करके व्हाट्सएप लिस्ट में ऐड हो सकते हो। तो चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट के लेवल्स लिख रहे थे। सीएमपी जो है इसका ऑलरेडी 4000 का है, इसमें स्टॉप लॉस हमें रखना रहेगा। देखिए रिस्क लेना रहेगा 40 पॉइंट का, 40 पॉइंट का जब आप रिस्क लेते हो, दिस इज एसएल, तब जाकर के ये पोजिशनल ट्रेड जो है आपको टारगेट जो दे करके जाएगा, दैट इज 4100, 4200 सीधा सीधा, उसके बाद में 4230 का टारगेट है एंड देन 4350। तो ये पोजिशनल टारगेट्स हैं इसमें मेरे। अगर आपको लेना है आप लाइट क्वांटिटी ले सकते हैं, दिस इज माय व्यू। अब चलिए निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में दोस्तों यहां पर हम जैसा देख पा रहे हैं, ये एक रेंज में फंसा हुआ है, राइट। अब ये रेंज जो इसमें है बहुत ही, इसको थोड़ा और
ये जो रेंज इसकी है ऑलमोस्ट, देखिए ये 3 दिन की अगर आप देखोगे कैंडल, डाउन साइड में इसको सपोर्ट मिल रहा है 11,240-230 लेवल का, राइट। और अपसाइड में जो इसको सपोर्ट मिल रहा है, सॉरी अपसाइड में जो इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है, दैट इज 11,040 लेवल। यानी 11,040 का जो लेवल है इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और डाउन साइड में 11,230-40 वाली रेंज। तो ये 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी फंसा हुआ है। अब अगर दोस्तों ये यहां से क्लोजिंग जो है 11,350 के ऊपर क्लोजिंग निकाल देता है निफ्टी, तो फिर इसमें आपको मूवमेंट दिखेगी ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में ऊपर की तरफ आपको दिखेगी 1 से 2 दिनों में आने वाले। अगर ये डाउन साइड में 11,230 के नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इस पे जो रहेगा 11,150 का है, एंड बिलो 150 यू विल गेट 11,060। 11,060 इसका दूसरा सपोर्ट है, और उसके बाद में तीसरा सपोर्ट नो डाउट दैट इज 10,900। तो दोस्तों ये जो लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। देन ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि निफ्टी अगर कंटिन्यू करता, ऑलरेडी आज का जो क्लोजिंग लेवल है जिस हिसाब से आज निफ्टी का आया है 11,340 सॉरी 310 के आसपास की क्लोजिंग है, राइट। और इस हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं मुझको अभी भी बुलिश लग रहा है, और 70% चांसेस है कि कल फिर से ये 350-360 तक के ट्राई करेगा लेवल, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया देन नो डाउट 11,400 आपके लिए ये ला करके रख देगा। फिर उसके बाद में बैंक निफ्टी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक को ले लो, एक्सिस बैंक को ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, और एसबीआई एंड देन आरबीएल बैंक एंड इंडसइंड बैंक, दोस्तों ये जितने भी बैंक है ये मोस्टली बुलिश फ्लेवर में चल रहे हैं। कोटक बैंक का जरूर डाउन था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब रिवर्सल के मूड में है, तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक एडिशनल पॉइंट होगा। आज भी देखिए जो मैं लेवल आपसे शेयर करता हूं वही लेवल अभी यहां पर काम कर रहा है, आप मैच कीजिए लेवल्स को। उसके बाद में देखिए 22,300 22,250 से 300 वाला जो लेवल है वो आज भी मेंटेन रहा, 330 का इसका रेजिस्टेंस था वो बना रहा, राइट। अभी ये इसके ऊपर कंटिन्यू करता है फिर से 22,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू करेगा तो आपको 23,530 और 23,700 तक के लेवल दिखा सकता है अपसाइड में। डाउन साइड में अगर ये ब्रेक करता है 21,950 के लेवल, देन इट कैन शो यू ऑलमोस्ट 21,800 एंड 21,600 लेवल्स। तो इंट्राडे लेवल्स इसके भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, साथ में शेयर कर सको तो कर दो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।